अपने फिल्म के बारे में इतने चूज। थ्री इडियट्स के कास्ट में से कौन है कास्टेड इस फिल्म में, कौन से साउथ एक्टर देखने वाले हैं इस फिल्म में। लार्सन चड्ढा बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म अभी है शूटिंग प्रोसेस में। कुछ ही हफ्ते पहले आमिर खान ने लगान के 20 साल पूरे होने पर एक वीडियो मैसेज शेयर किया था अपने फैंस के साथ, जहां वो अपने लाल सिंह चड्ढा मूवी के कैरेक्टर लुक में थे। आमिर खान इस मूवी में है लीड रोल में और निभा रहे हैं किरदार एक आर्मी ऑफिसर का। लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड मूवी फॉरेस्ट गंप की है ऑफिशियल हिंदी रीमेक। सीक्रेट सुपरस्टार प्रेम अद्वैत चंदन कर रहे हैं डायरेक्ट इस मूवी को, जहां फीमेल लीड में दिखाई देंगी आपको करीना कपूर खान। लाल सिंह चड्ढा के कुछ पोर्शन इस लॉकडाउन में शूट किए गए थे जब पैंडेमिक की वजह से सारे शूट हो रहे थे कैंसिल। इस फिल्म के सिवाय आमिर को कोई दूसरी फिल्म नहीं करनी थी। आमिर खान अपने फिल्म को लेकर काफी चूजी होते हैं जी हाँ दोस्तों, और अपने हाथ लिमिटेड प्रोजेक्ट ही लेते हैं। और ये पहली बार नहीं है कि आमिर खान ने एक ही फिल्म एक ही बार कर रहे हो। जब उनसे पूछा गया उनके लिमिटेड प्रोजेक्ट लेने के बारे में, तब उन्होंने कहा कि उन्हें वन कैरेक्टर एट अ टाइम प्ले करना पसंद है। वो उस कैरेक्टर को टाइम और स्पेस देकर निखारना चाहते हैं, जो 3 से 2 फिल्म के साथ नहीं होता। और आमिर का डिसीजन गलत भी नहीं है। आज तक उन्होंने जो फिल्में की हैं वो सारी हिट हुई हैं, नेशनली और इंटरनेशनली दोनों तरफ से। इस फिल्म में होंगी मोना सिंह भी। करीना और आमिर के साथ मोना का ये सेकंड फिल्म है। इन तीनों को पहली बार देखा गया था थ्री इडियट में, जहां मोना करीना की बड़ी बहन की भूमिका में नजर आई थी। एक जूम कॉल पर हुई बातचीत में मोना ने कहा कि करीना और उनके कोई भी सीन साथ में नहीं है, मगर उन्होंने सेट पर काफी इंजॉय किया है और दोनों ने काफी बातचीत भी की है। करीना ने मोना को अपने हाल ही में हुई शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है। जब मोना से पूछा गया कि उन्हें ये फिल्म कैसे ऑफर हुई, तो उन्होंने कहा कि एक दिन उन्हें आमिर खान का कॉल आया था और फिर आमिर ने उनको उनके ऑफिस से मिलने बुलाया था, जहां उन्होंने थ्री इडियट्स के बारे में बातें की और इस फिल्म के बारे में डिस्कशन भी की थी। और इसी तरह से उनको इस रोल में कंफर्म किया गया। रिसेंटली टॉप साउथ इंडियन एक्टर नागा चैतन्य को भी देखा जाएगा। नागा चैतन्य साउथ सुपरस्टार नागार्जुन के बेटे हैं और बाहुबली के भल्लादेव भी हैं, राणा दुर्गावती के फर्स्ट कजन भी हैं। नागा चैतन्य ने 2017 में टैलेंटेड एक्ट्रेस समांथा रूथ प्रभु से शादी की। समांथा को रिसेंटली द फैमिली मैन 2 में रज्जी के रोल में देखा गया। अगर बात करें लाल सिंह चड्ढा की, तो हम यही चाहेंगे कि फिल्म आमिर के दूसरी फिल्मों की तरह हिट बने और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की तरह फ्लॉप ना हो। तो क्या आप तैयार हैं आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा के लिए, हमें बताइएगा जरूर। और फिल्मी वर्ल्ड से जुड़ी हर खबरों के लिए नजर रखिए बॉलीक्रैट स्टूडियोज पर।